नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। कराधान घोटाले का मास्टरमाइंड इनामी कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। जनपद पंचायत गंगेओं में हुए करोड़ों के कराधान। घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिला कोर्ट के पास जमानत की फिराक में घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आपको बता दें, 2 दर्जन से अधिक पंचायतें कराधान घोटाले में आरोपी है, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड जनपद का कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश सोनी था, जिसके रीवा स्थित कंप्यूटर सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहां से भारी दस्तावेज बरामद हुए थे। लगातार आरोपी फरारी काट रहे हैं, जिसके ऊपर 5,000 का पुलिस अधीक्षक रीवा ने इनाम घोषित किया था। गत दिवस हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद उक्त मामले का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थाना मनगवा अंतर्गत एक प्रकरण में कल राजेश सोनी एक आरोपी की अरेस्टिंग की गई है और उस मैटर में वो वांछित थे। कल सूचना पर उनको राउंडअप किया गया है। अभी उनसे और पूछताछ भी की जा रही है और अन्य डिपार्टमेंट से जहाँ से भी उनका पूरा मैटर था, जो दस्तावेज अगर नहीं मिले तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है और उनको अभी न्यायालय पेश किया गया है और विवेचना अभी प्रकरण की जारी है। इसका सुपरविज़न एडिशनल एसपी मोगन द्वारा किया जा रहा है। कैसे उनकी गिरफ्तारी? कल जब सूचना मिली थी कि शहर में उनकी उपस्थिति देखी गई है, तो तत्काल सिविल लाइन थाना ने अपनी भूमिका निभाई एक्टिवली और वहां उसको राउंडअप किया है और उसके पश्चात मनगवा थाना को सुपुर्द उनको किया गया है। ये मैटर 2020 का है, जिसमें विधिवत जाँच की गई थी जिला प्रशासन द्वारा और उनके द्वारा पत्राचार करने के पश्चात प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसके पश्चात विवेचना के दौरान अन्य इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनकी अभी गिरफ्तारी शेष थी जो कल की गई है। अभी डिटेल इनसे पूछताछ की जा रही है और उसके पश्चात ही आपको हम लोग अपडेट करेंगे। हाँ, इनके ऊपर रिवार्ड भी था 5,000 रुपये का।